मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का कार्यक्रम डिगरोता गांव के अंदर है और किस तरीके से जोरदार तरीके से उनका वेलकम गांव के लोगों के द्वारा, उनका भव्य स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया गया। तस्वीर हम देख सकते हैं कांग्रेस के झंडों से सजे ट्रैक्टर, जिसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि किसान भी अपना खुला समर्थन इस बार कांग्रेस को दे रहे हैं। रावदान सिंह के साथ जाने का मन बना चुके हैं। कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस तरह का चुनावी माहौल पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ, सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए, और ये शायद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गए। लेकिन 10 साल के शासन के बाद हम कह सकते हैं कि जून की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर था। सरकार ने एक नीति दी, एक नई नीति अग्निवीर की, जिसका लक्ष्य कोई नहीं, जिसका काम कोई नहीं, जिसमें प्रमोशन कोई नहीं, जिसमें रिजर्वेशन कोई नहीं, जिसमें एक्सिबिशन का स्टेटस कोई नहीं, वो सिर्फ 4 साल के लिए उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके 75% को रिजेक्ट करके वापस भेज देती है। पिछले चुनाव में एक नारा दिया लोकसभा के अंदर 400 पार, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इन महान मतदाताओं का, खास तौर पे मेरे SC वर्ग के मतदाताओं का, जिन्होंने इसको पहचाना, 400 की बात को मात्र 240 पे ला करके टिका दिया। जब ये 75 बार का नारा पिछली बार दे रहे थे तो आपने 40 पे टिका दिया था, अब की बार उन्हें पता है परिस्थिति बदल चुकी है, पंजे उखड़ चुके हैं, सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो उसको धरातल में टिका के दिखा दे, समझ में आ जाए कि इनके एक भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये चुनाव ऐसा है जो हरियाणा का इतिहास बदल देगा, और मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने 2019 में कहा था कि बुजुर्गों को 3100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, आज तक नहीं दी, अभी भी 3000 दिए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हम 6000 देंगे एक बुजुर्ग आदमी को, तो ये झूठ के सारे राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस पार्टी का नाम है BJP, यानी बहुत झूठी पार्टी, और उसी के सारे काम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का कार्यक्रम डिगरोता गांव के अंदर है और किस तरीके से जोरदार तरीके से उनका वेलकम गांव के लोगों के द्वारा, उनका भव्य स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया गया। तस्वीर हम देख सकते हैं गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर से खुली जीप बिठा कर गाजे बाजे के साथ, बाइकों के, गाड़ियों के, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ रावदान सिंह को जोर शोर से लेकर आया जा रहा है। ये डिगरोता गांव का जलवा है, ये रावदान सिंह का जलवा है, ये कांग्रेस परिवार का जलवा है। तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस के झंडों से सजे ट्रैक्टर, जिसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि किसान भी अपना खुला समर्थन इस बार कांग्रेस को दे रहे हैं। रावदान सिंह के साथ जाने का मन बना चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं डिगरोता गांव की, जहां पर करीब 2 किलोमीटर लंबा काफिला, जिसमें ट्रैक्टर हैं, बाइकें हैं, गाड़ियां हैं, और उनको जो है लेकर डिगरोता गांव की तरफ जाया जा रहा है। पीछे खुली जीप में रावदान सिंह है, फूल मालाओं से जो है स्वागत किया गया, फूल बरसाकर स्वागत किया गया, और तस्वीरें जो है लगातार ऐसी ही पूरे हलके में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। ये माहौल डिगरोता गांव का है, ये तस्वीर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की है, तस्वीर कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के कार्यक्रम की है। ये नज़ारा जो है कभी कभी किसी नेता के प्रति देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, गांव के लोगों से बातचीत करवाएंगे, रावदान सिंह से मिलवाएंगे, और कहीं ना कहीं इनका जो काफिला है वो भी आगे फिर दिखाते हैं। बने रहिए तब तक हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। तो तस्वीरें देख सकते हैं डिगरोता गांव से सीधी तस्वीरें कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के कार्यक्रम के हम दिखा रहे हैं। छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं और जनता का जोश, युवाओं का, बुजुर्गों का जोश, डिगरोता के लोगों का जोश देखते बन रहा है, कांग्रेस के प्रति माहौल देखते ही बन रहा है।
और ये नज़ारा कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। छतों से फूल बरस रहे हैं, फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ और लोगों का, युवाओं का, विशेषकर डिगरोता के लोगों का जो है जोरदार समर्थन कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति प्यार देखने को जो मिल रहा है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कह रही है, ये नज़ारा बहुत कुछ कह रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने गांव डिगरोता के सभी भाई और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने, खासतौर पर मेरे नौजवान साथियों ने, उन किसानों ने जो ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन लेकर के बुरे गाजे बाजे के साथ यहाँ तक हमें लेकर के आए और स्वागत किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में आपको फैसला करना है आपके भावी विधायक का और भावी सरकार का। सबसे बड़ा अधिकार प्रजातंत्र में मतदान का और सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। मतदान आपका हक है और अदालत आपके सामने है, फैसला आपका है, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन बढ़िया कौन बुरा, मैं समझता हूँ डिगरोता के भाई और बहनों से ज्यादा दूसरा कोई आकलन कर नहीं सकता। अनेकों चुनाव आए चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस तरह का चुनावी माहौल पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। राजन सिंह, उसका कारण बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में, जब कांग्रेस के 10 साल हरियाणा में रहे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ, सब लोगों ने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए और ये शायद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दे। लेकिन 10 साल के शासन के बाद हम कह सकते हैं कि जिनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर था, उन्होंने वादे कुछ किए और काम कुछ करके दिखाए। मैं आज देख सकता हूं, आप प्रदेश के और देश के किसी कोने में चले जाएं, कोई वर्ग ऐसा नहीं जो ये कह सकता है मैं सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूं, चाहे वो किसान है, चाहे जवान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, और मजदूर की तो कोई कहानी नहीं, क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए संघर्ष करके वापस भूखे पेट सोना पड़ता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश रहा है, यहाँ का किसान इतना परिश्रमी है जो सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच कर भूखे का पेट भरना जानता है, लेकिन जब उसके परिश्रम की कमाई की फसल खेत से शहर में मार्केट में जाती है तो उसका उचित भाव नहीं मिल पाता, तो मायूसी के अलावा किसान को और कुछ नहीं मिल पाता। मैं जानता हूं कि ये प्रदेश किसान के साथ में जवान का भी है, देश की जंग आजादी से लेकर आज तक की एकता अखंडता के लिए कोई युद्ध ऐसा नहीं, कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं जहां हमारे रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दे के देश का इतिहास नहीं लिखा हो, लेकिन आज उस पक्की फौज को भी कच्ची फौज में तब्दील कर दिया है। हमारे सैकड़ों बच्चे रोड पर दौड़ते थे इस बात के लिए कि हम फिजिकल फिटनेस दिखाएंगे और फौज में भर्ती हो जाएंगे, इस सरकार ने एक नीति दी, एक नई नीति अग्निवीर की, जिसका लक्ष्य कोई नहीं, जिसका काम कोई नहीं, जिसमें परमिशन कोई नहीं, जिसमें रिजर्वेशन कोई नहीं, जिसमें एक्सिबिशन का स्टेटस कोई नहीं, वो सिर्फ 4 साल के लिए उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके 75% को रिजेक्ट करके वापस भेज देती है। आप सोच के देखें कि एक बच्चा जो 18 साल में भर्ती होता है 22 साल में रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, उसको कहीं भी जगह नहीं मिल पाती, उसका भविष्य क्या होगा, या तो नशे में जाएगा या अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। और यही एक कारण है कि आप देखें मायूसी पूरे समाज के अंदर और पूरे हरियाणा के कोने कोने के अंदर देखने के लिए मिल रही है। जहाँ तक सवाल रहा संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही समझबूझ के साथ, कई कमेटी के साथ, इतिहास में सबसे बढ़िया संविधान कहो तो अतिशयोक्ति नहीं,
जिसमें हर व्यक्ति का हक और अधिकार लिख के दिया, लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अपनी मर्जी से संविधान को बदलना चाहते थे। पिछले चुनाव में एक नारा दिया लोकसभा के अंदर 400 पार, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इन महान मतदाताओं का, खास तौर पे मेरे SC वर्ग के मतदाताओं का जिन्होंने इसको पहचाना, 400 की बात को मात्र 240 पे ला करके टिका दिया। आज फिर एक वक्त आया जब ये 75 बार का नारा पिछली बार दे रहे थे तो आपने 40 पे टिका दिया था, अब की बार उन्हें पता है परिस्थिति बदल चुकी है, पंजे उखड़ चुके हैं, सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो उसको धरातल में टिका के दिखाने समझ में आ जाए कि इनके एक भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि इस देश में कांग्रेस ने क्या किया। ये सिर्फ भाजपा के लोग हैं जो 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक बार इतिहास के पन्नों को उठाकर देख ले, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन हमें गेहूं मोल लेके आना पड़ता था, श्वेत क्रांति नहीं थी, हरित क्रांति नहीं थी, और इस देश के अंदर शिक्षण संस्थान नहीं थे, इसरो जैसी सैटेलाइट की कोई संस्था नहीं थी। ये सब किसी ने किया तो सिर्फ स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। दुर्भाग्य से एक प्रधानमंत्री थोड़े समय के लिए आए जिसने जवान और जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनके बाद इंदिरा जी आई जो एक महान और एक आयरन लेडी के नाम से जिसको दुनिया जानती है, जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया जो दुनिया को ये बताने वाला था कि अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया अगर ताकत है तो हिंदुस्तान भी अपनी एक ताकत दिखा सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के साथ छेड़ करने का प्रयास किया, अमेरिका ने उनका साथ दिया, तो वो महान नेता थे जिसने उन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कहा, ऐ पाकिस्तानी हुक्मरानों या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट दूंगी। और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना के दुनिया का नक्शा पलट करके दिखाया। 95,000 सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ी समेत आत्मसमर्पण करके दुनिया में पहला उदाहरण बताया कि किसी फौज ने दूसरी फौज को आत्मसमर्पण करने पर इतना मजबूर किया है। आज वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने क्या किया है। उसके बाद राजीव जी आए जिन्होंने 20वीं सदी में रहते हुए 21वीं सदी की बात की। आज जो ये कंप्यूटर क्रांति है जो हमारे सामने देख रहे हैं, जो IT के बच्चे हैं, जो iPad के ऊपर जाते हैं, जो सैटेलाइट से बात करते हैं, इसका कोई द्योतक है तो राजीव गांधी जी हैं। उसके बाद संजय गांधी जी ऑटोमोबाइल के अंदर जिन्होंने क्रांति दी, इस देश में एम्बेसडर फिएट के अलावा कोई गाड़ी नहीं होती थी, आज कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। 12 करोड़ की गाड़ी हिंदुस्तान में बनती है जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, इसका द्योतक कोई था तो संजय गांधी थे। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ उस महान व्यक्ति के लिए जो आज हमसे अलविदा कह के चला गया, जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम, जिसमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं, जिसके लाइट देखने के लिए रोशनी नहीं, सड़क पर पढ़ करके जिस आदमी ने तय किया मैं इतिहास बनाऊंगा हिंदुस्तान का और राष्ट्रपति बन के एक नंबर नागरिक बन करके दिखाया, उस आदमी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देख के मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, ये है उस APJ अब्दुल कलाम का आजाद। आज वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने किया क्या है। मैं कहना चाहता हूँ एक व्यक्ति बता दे जो ये कह सकता है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी और मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ या मैं RSS का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो हम ये मान लेंगे कि वाक्य में आपका कोई गुणदान, आपका कोई योगदान इस देश की जंग आज़ादी में रहा। आज वो लोग झूठ बोल के राज करते हैं, उनको पता है इस बात का कि जितने झूठ बोलेंगे उतना ही आप लोग उस झूठ के साथ में चल देंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद के अलावा कभी आपस में बात करने की बात नहीं की। जब भी कोई ज्वलंत समस्या आती है उसे जातिवाद और संप्रदाय के जहर में रोक देना चाहते हैं। आज फैसला लेने का समय आया आपके पास कि हरियाणा की सरकार को अगर आप देखना चाहते हैं, इस हरियाणा को जहाँ रोजगार में एक नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ GDP में दूसरे नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ इन्वेस्टमेंट में एक नंबर पर था, ये हरियाणा जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक थी, आज बिगड़ते हुए देख रहे हैं। 10 दिन पहले एक महिला को महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के ऊपर सरेआम दिन के अंदर गोलियों से खून दिया गया, क्या यही अच्छे दिनों की पुकार थी जो हम और आप उसकी इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ वक्त की नज़ाकत है, समझने की और सोचने की ज़रूरत है। ये चुनाव ऐसा है जो हरियाणा का इतिहास बदल देगा और मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार आपकी होगी तो
तो आपको अपने अधिकार के लिए आपके नुमाइंदे को याचिका जिता के भेजे ताकि इस क्षेत्र के रुके हुए काम हो और इस क्षेत्र को विकास होने के लिए आगे जगह मिले, नौजवानों को भविष्य के लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिले, क्योंकि आज 2 लाख पद खाली पड़े फौज के और 2 लाख खाली पद पड़े हुए हरियाणा सरकार के। इन लोगों को भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और उसमें कोई कमी रहे तो IMT खुराना जैसी संस्था ला करके इन लोगों को नहीं भावी जनरेशन को एक मौका देने का अवसर मिल सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी सोच से ऊपर उठने की बात करें, यहीं तक संकीर्ण विचारों में ना रहें। अगर आपने लंबी सोच रखी है तो लंबी दृष्टि से आप नजर मारेंगे और अगर छोटी सोच रही तो यहीं तक देख पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि डिग रोता कह के भाई और बहन मेरी बात से सहमत होगा और आने वाले समय के अंदर जो 5 तारीख है उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा दबा के आपके बेटे और इस भाई को आप मतदान दे के भारी मतों से जिताएंगे। मेरा एक वादा है, जितने भारी मतों से जिताएंगे उतनी भारी ताकत के साथ में हम ताकत लेकर के आपके बीच आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब मैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है, बहुत सारे गांव रह रहे, अब मैं सिर्फ इसलिए 2-4-5 बातें आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, अभी उस घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने सबसे पहली जो मांग जो हमने घोषणा की है वो ये है कि भाजपा ने 2019 में कहा था कि बुजुर्गों को 3100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, आज तक नहीं दी, अभी भी 3000 दिए हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हम 6000 देंगे एक बुजुर्ग आदमी को अपनी पेंशन को, 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे, और जब सुबह हमारी बहन बेटी जाती हो चूल्हे पे रसोई में तो उन्हें याद आता है 1100 रुपये का सिलेंडर, और उन्हें ये याद आता है कि कांग्रेस के टाइम पे यही लोग थे जो 400 रुपये का सिलेंडर था तो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे कि हाय महंगाई, आज 1100 रुपये है तो बोलते नहीं है। तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर पहुंचा देंगे। और भाई लास्ट में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग बहुत हैं हमारे यहाँ, BPL परिवार बहुत हैं, जब से कांग्रेस का राज गया इन्होंने 1 इंच जमीन उन गरीब लोगों को देने का प्रयास नहीं किया। मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी सरकार आएगी तो भाई 100 गज का प्लॉट मिलेगा लेकिन खाली प्लॉट नहीं मिलेगा, 2 कमरे 1 रसोई 1 बाथरूम उसमें बना करके दिया जाएगा ताकि आपका जीवन इसके बाद। हम सब कामना करते हैं कि अच्छे जीवन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है पहला सुख निरोगी काया। कहा जाता है हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, 1 अरबपति आदमी है उसके पैर में दर्द चोट लग जाती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान सब कुछ ले ले दर्द खत्म कर दे। तो वो भाई कोई भाई पीड़ित और बीमार हो जाता है हॉस्पिटल जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कीजिए, और डॉक्टर बोलता है कि आपको तो बड़ी बीमारी है, इसके इलाज में कम से कम 15-20 लाख रुपये लगेंगे आपके ऑपरेशन पर और कम से कम भी 1 महीना आपको हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, सरकार से पैसा मिलता नहीं है, 5 लाख रुपए की मैक्सिमम एक आयुष्मान योजना उन्होंने निकाली है वो भी गिनती के लोगों को मिल पाती है, तो मायूस अपने घर लौट जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी इसका इलाज करा के शायद ज़िंदगी पाता, आज मैं पल पल मर रहा हूँ मुझे कोई ज़िंदगी देने वाला नहीं है, वक्त से पहले इनको अलविदा कह के जाऊँगा। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई ऐसे भाइयों का भगवान न करे हमें जरूरत पड़े, ऐसे भाइयों का 25 लाख रुपए तक का अगर कोई इलाज होगा तो कांग्रेस पार्टी को करा देगी। हमारी विधवा बहन है उनको 6000 रुपये पेंशन, हमारा भाई कोई अपंग है उसको 6000 रुपये पेंशन, और हमारी कोई बहन जो 18 साल से बड़ी है जिसका कोई शादी नहीं हुई है पढ़ाई नहीं की है घर में कुछ उसके पास साधन नहीं है एग्रीकल्चर नहीं है उनको भाई 2000 रुपये रसोई खर्च के नाम से हर महिला को दिए जाएंगे ताकि मिनिमम उनकी आजीविका कमाई जा सके। और लास्ट में भाई एक परेशानी जो आपकी हमारी है Family ID, हर चीज़ में Family ID जो हर जाके बैठा देते हैं नहीं देना हुआ Family ID लगा दो। भाई कांग्रेस ने फैसला किया है जैसे आपकी सत्ता आएगी सबसे पहले कांटा Family ID पर लगाएंगे। अब किसी एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि राव साहब आप भी गारंटी देते हो और उधर से BJP ने भी 20
उनकी गारंटी दी है। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिन और रात का अंतर है। हम गारंटी दे रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो हम करेंगे, और हमने गारंटी पहले दी थी, पूरी करके दिखाई। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे, ऑन रिकॉर्ड, कोई मना नहीं कर सकता। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ करे थे, कोई मना नहीं कर सकता। इनकी हम मना कर सकते हैं गारंटी के लिए। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिया, अब तक तो 20 करोड़ हो जाते। इन्होंने कहा अच्छे दिन ले आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे, नहीं डलवाए। इन्होंने कहा किसान की आमदनी डबल कर देंगे, नहीं दी। इन्होंने दिया क्या? इन्होंने दिया कि कट्टे का खाद का वजन 50 किलो था, उसे 45 कर दिया, भाव उसका बढ़ा दिया। ये इनकी देने की प्रणाली रही है। तो ये झूठ के सारे राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस पार्टी का नाम है BJP, यानी बहुत झूठी पार्टी, और उसी के सारे काम करना चाहते हैं। फैसला यजमान जनता का है, जो फैसला करेंगे वो फैसला मंजूर है, क्योंकि आप सर्वप्रिय हैं और आपसे बड़ा अधिकार प्रजातंत्र में किसी का नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सोच के विचार के इस पर मतदान करना। और भाई अंत में जो मान सम्मान की पगड़ी हम सबको दी है, मैं उसका विश्वास दिलाता हूँ, आपके दिए मान सम्मान को हमेशा ऊँचा करके रखूँगा, नीचे नहीं आने दूँगा। और डी ग्रोथ आगे जो आज भाई जिन्होंने ऐतिहासिक आज इस रैली का यानी बेसिकली एक रोड शो का प्रदर्शन किया है, पूरी कमेटी का, समस्त भाई और बहनों का, मैं सब उन्हें नहीं, वो 26 वाला प्रोग्राम है ना, मैं बताऊँ पहले हुड्डा साहब का प्रोग्राम 26 का था, बारडा का वो चेंज हो गया है। कारण उसमें ये है कि 26 तारीख को राहुल जी के 2 प्रोग्राम हो गए, वो 3:30 बजे वहाँ से आएंगे वहाँ पर, फिर 5:30 बजे वहाँ से टेक ऑफ करेंगे, 6 बजे बाद में जैसे यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पाएगी, और वो हो सकता है वो 7:30 बज जाए, इसलिए वो पोस्टपोन हो गया। आगे जब भी तय होगा मैं आपको बता दूंगा, ये सब लोगों को बता देना कि 26 वाला प्रोग्राम फिलहाल पोस्टपोन हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। डिग्रोता गाँव की तस्वीर हमने दिखाई, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।